हाय गाइस, लॉकडाउन है अभी, जैसा कि आप सभी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं भी अपने घर में बैठा हूं और ये आपको दिखा रहा हूं बाहर का नज़ारा। मौसम भी काफ़ी सुहाना सा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, और तकरीबन लास्ट ईयर इस टाइम पे तो काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, बट इस साल हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। देखो, होप शाम तक फिर से बारिश का मौसम बन रहा है। और सड़क पे सुनसान, कोई नहीं आ जा रहा है, बस जो भी इक्का दुक्का आदमी दिख रहे हैं वो अपने अकेले जा रहे हैं, या फिर वो अपनी कोई एमरजेंसी सामान के लिए निकले हुए हैं। गाड़ियाँ कोई नहीं दिख रही है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। आज पहली बार 9th डे है ये लॉकडाउन का। पहली बार थोड़ा सा एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा हूँ, ना ही सो पा रहा हूँ ना ही मूवी देख पा रहा हूँ, और सोचा आपसे बात कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। से और चारों तरफ बादल ही बादल, ग्रीनरी काफ़ी आ चुकी है। और मे बी इस बार जो बरसात है वो भी शायद जल्दी आ जाए, पोल्यूशन काफ़ी कम हो चुका है, अब दूर दूर तक देख सकते हैं। पहले यहाँ पे काफ़ी एक पोल्यूशन की लेयर सी जो होती थी वो ब्लू ब्लू दिखाई देती थी, पर इस बार काफ़ी क्लियर दिख रहा है। अभी कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें न्यूज़ की वेबसाइट थी कोई, तो उसमें बता रहे थे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स जो है वो भी 50 के नीचे आ गया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है काफ़ी सालों में। वैसे तो नेचर को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है फ़ायदा डेफिनेटली, थोड़ा सा रेस्ट जो नेचर को भी होना चाहिए जो ताकि उसको रिस्टोर मिल सके। और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कैसा चल रहा है लॉकडाउन, आप कैसा फील कर रहे हो। चलिए, ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।